लेडीज एंड जेंटलमैन मैं सदार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में जहां पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आसपास का प्रदूषण आसपास में प्रेजेंट कीटाणु हमारे शरीर को हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और स्पेशली आज के समय में जब हम हर एक अखबारों में न्यूज़ चैनल्स पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि हमारे आसपास की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है पीएम 2.5 बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ये सारे फैक्टर्स कैसे हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ पे इम्पेक्ट करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपर्ट कि कैसे ये जो पॉल्यूशन है ये जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं ये कैसे हमारे रेस्पिरेटरी uh, हेल्थ पे कैसे हमारी लंग हेल्थ पर असर पहुंचाती है मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है मैं आप सभी का आज का होस्ट हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के प्रोग्राम में और कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके साथ मैं आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ ऐसी न्यूज़ क्लिप्स राइट जो कि डायरेक्टली आपको एक चीज़ ज़रूर दर्शाएगी कि कैसे हमारे आसपास का पोल्यूशन हमारे ऊपर असर कर रहा है और एक ये वीडियो क्लिप जो सामने आप अपनी स्क्रीन पे चलता देख रहे हैं जहाँ पर दिल्ली की स्थिति दिखाई जा रही है कि दिल्ली से जुड़े बहुत सारे राज्यों में किस प्रकार का पोल्यूशन लेवल देखा जा रहा है यदि आप नीचे दिए गए न्यूज़ पे ध्यान से देखें एन डी की न्यूज़ है जहां पर ये क्लिपिंग में दिखाया गया है कि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर पहुंच चुकी है पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ए क्यू आई लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का 373 दर्शाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा 368 गुरुग्राम 362 सिक्सटी टू दिल्ली 354 फोर नोएडा 355 और एज़ पर यदि मैं इसको और ज़्यादा ब्रॉडर पे देखूँ तो पंजाब जैसी जगहों पर जहाँ पराली जल रही हैं जहाँ पर आसपास दिवाली में पटाखे बजे हैं उन सब से होने वाले पोल्यूशन का बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट देखा जा रहा है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है जहाँ पर यह भी दर्शाया गया है कि इंडिया फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है सो so, हिंदुस्तान में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देखिए ये पॉल्यूशन डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पर कैसे असर करता है इसके बारे में आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर नलेन मिश्रा सर ये हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टली फ्रॉम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से प्रयागराज से और जहाँ से हम इनसे जानेंगे और ज़्यादा चीज़ों के बारे में ये कैसे ये हमारे जो पॉल्यूशन है ये कैसे हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ पर तो असर करता है और ये कैसे लाइफ ड्यूरेशन को भी रिड्यूस कर देता है क्योंकि एक आर्टिकल में मैंने कहीं पढ़ा था जहाँ पे मेंशन था कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी डेली लाइफस्टाइल में छः से सात साल की उम्र ऑलरेडी लोगों की कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से डॉक्टर नलिन मिश्रा सर से कि कैसे ये पॉल्यूशन हमारे लाइफस्टाइल पर असर कर रहा है और ये कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर नलिन मिश्रा सर को ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म सर अ वेरी वॉम वेलकम आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर uh, नमस्कार नमस्कार जी तो आ, सर आ, आज का विषय हम सभी ने जब डिस्कस कर रहे थे हम इस विषय के बारे में तो आ, मैंने सर से यही एक थॉट शेयर किया था कि सर हम ऐसा कुछ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं बिकॉज लोगों को ये लगता है कि आ, हम अच्छा खाना खा लें अच्छा पानी पी लें अच्छे लाइफस्टाइल व्यतीत कर लें तो हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी बट हम आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि

जिसको भी देखिए उस पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है और मैं चाहता हूं मैं आपको ले चलू एक एंशियंट पीरियड में एंशियंट का मतलब बहुत ही एंशियंट स्टोन एज में ले चले आपको तो स्टोन एज में आप देखिए जो ह्यूमन बींग था उस समय वो क्या करता था कहीं से भी पानी पी लेता था कहीं भी पेड़ पौधे से कुछ भी तोड़ के खा लेता था और हवा शुद्ध थी और उस समय आई एम श्योर कि ना तो हार्ट डिजीज रही होगी ना कैंसर रहा होगा ना ब्लड प्रेशर रहा होगा दे यूज टू लिव हेल्दी लाइफ बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ जैसे जैसे हमारी जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन डेवलप हुई और हमारी लाइफ बढ़ी तो हमने कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट एटमोस्फेयर में डालने शुरू किए जिसने खुद हमारे ऊपर नुकसान करना शुरू किया इट स्टार्टेड आर्मी आवर द रिजल्ट ऑफ आवर काइंड ऑफ लिविंग ऑन दिस अर्थ जिस ढंग से हम जी रहे थे और उसको देखें तो आप हिस्ट्री में जाए तो लास्ट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर से पॉल्यूशन धीरे 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 बढ़ रहा है एंड सिंस नाइनटीन सेवेंटी अबाउट फिफ्टी ईयर्स तो बिल्कुल है पर आज भी एक चीज अगर हम देखें तो पॉल्यूशन के बारे में लोग बात करते हैं लेकिन ज्यादातर बात किसकी करते हैं? में बात करते हैं जो खाने में पॉल्यूशन है जो पानी में पॉल्यूशन है ना उसकी बात करते लेकिन जो हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कितना पॉल्यूशन है और उसका कितना बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ पर पड़ता है इसके बारे में प्रॉब्ली अवेयरनेस कम है और अगर किसी को अवेयरनेस है भी तो एक काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस है कि भाई क्या कर सकते हैं बाहर तो निकल नहीं है सांस तो लेना ही है क्या कैन वी स्टॉप ब्रीदिंग सांस तो लेना नहीं बंद कर सकते बट एक्चुअली आपको यह देखना होगा कि वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम अपने खाने में या अपने पानी पीने के पानी में पॉल्यूशन का ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान हमको जो हम सांस ले रहे हैं जो हवा हमारे अंदर जा रही है ट्वेल्व थाउजेंड लीटर ऑफ एयर पर डे हम ब्रीथ करते हैं तो ये जो बारह हजार लीटर हवा हमारे शरीर में जा रही है अंदर क्या उसके बारे में सोचना उचित नहीं है और आज का जो ये सेशन रखा गया इसलिए रखा गया कि आप इसके बारे में सोचें और न केवल सोचे बल्कि आई एम श्योर दैट सिद्धार्थ हैज गॉट अ सॉल्यूशन आल्सो कि कैसे हम जो सांस ले रहे हैं उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं तो अब एक चीज ये देखना है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर क्या है क्योंकि जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे उसको समझ पाएंगे तो फिर शायद वो चीजें भी हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिनकी मैं बात करने वाला हूं देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स नाक से शुरू होता है और वहां से फिर लैरिंग से होते हुए ये मेन ब्रोंकस है फिर यहां से इसकी ब्रांचेस होती है इसमें छोटी छोटी और ब्रांचेस होती है जिनको ब्रॉकियोल बोलते हैं और ये ब्रांचेस होते होते ही एक गुच्छा जैसा बन जाता है जिनको हम एलवीलाई बोलते हैं जहां पर ये कुछ कुछ जैसे ब्रोकली की शक्ल ले लेता है अभी आप देखेंगे नेक्स्ट इमेज में ये दिस इज अ वेरी नाइस डिपिक्शन ऑफ लंग्स का स्ट्रक्चर ये ब्रांचेस होती गई छोटी होती गई बाद में वो बिल्कुल छोटे से गुब्बारे जैसे हो गया और वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं एल्वियलर मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन के थ्रू आप सब जानते हैं कि फेफड़ों का काम है कि शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन पहुंचाना जो हम हवा में से ले रहे हैं। तो उस एल्व्यूलर मेंब्रेन के अक्रॉस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यानी ऑक्सीजन शरीर में जाती है और शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो वापस आती है जिसको हम सांस जब वापस छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल जाती है इसके साथ ही साथ एक और मैकेनिज्म है कि वो जो एब्जॉर्बशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहां पर ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हैं। वो आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे सिद्धार्थ हाँ कैन वी चेंज दिस राइट यहां पर आप देखेंगे कि ब्लड वेसल्स का भी उसी तरह का एक गुच्छा है कैपिलरी बहुत फाइन ब्लड वेसल्स हैं जो एल्वियलर मेम्ब्रेन के पैराल चलती है और वहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से ऑक्सीजन वापस उन एल्वलई में आती है जो कि एक्सपेराइशन जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो बाहर निकल जाती है यहां पर आप देखेंगे लंग्स में सर्कुलेशन थोड़ा उल्टा है तो जो नीले कलर का यहां पर है वो वेन है और वेन का काम क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेना और हार्ट में पहुंचाना और वहां से फिर वो एल्टा और आर्टरी के माध्यम से शरीर के अंग प्रत्यंग में जाता है और जो लंग्स में आर्टरी आती है वो एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से पूरे अंग से लाती है शरीर से और उसको फिर लंग्स में छोड़ा जाता है जहां से उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एलोवेरा में आता है सो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लंग्स एंड इसका फिजियोलॉजी भी जो सिंपलर शब्दों में समझा जा सकता है सो so, दोस्तों होता क्या है कि जो लंग है आर वेरी डेलिकेट वेरी फाइन इलास्टिक स्ट्रक्चर और आप देखेंगे कि इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शनिंग के लिए इसको और जब भी लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके जो इलास्टिसिटी है उसके ऊपर असर पड़ेगा और जब इलास्टिसिटी पर असर पड़ता है तो जो ऑक्सीजन लंग से जाने वाली है उसकी मात्रा में कमी आती है और उसके लिए हार्ट को फंक्शन करना पड़ता है लंग्स और हार्ट एक दूसरे से ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए जैसे ही वहां से ऑक्सीजन कम मिलेगी हार्ट जो है काम करना ज्यादा शुरू कर देगा इन एन एफर्ट टू डिराइव मोर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी लंग्स और इसीलिए आप देखेंगे लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है सीधे उसका असर हार्ट पर होता है और ये जो एयर पॉल्यूशन है इससे न केवल रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं बल्कि इससे हार्ट अटैक्स की भी संख्या बहुत होती है और जो भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हम लोग बात करते हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लोमेशन के कारण होती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होती हैं वो सब की सब एयर पॉल्यूशन से भी होती हैं हालांकि आज का सब्जेक्ट ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस बट यू नो कि पॉल्यूशन शरीर में किसी भी तरीके से जाए वो लाइफ स्टाइल डिजीजेज पैदा करता है बिकॉज इट कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो आज हम उनकी बात नहीं करेंगे आज हम केवल रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करेंगे सिद्धार्थ वी कैन ये स्टॉप दिन शॉट यस तो आपने देखा कि हम हवा सांस के साथ अंदर ले रहे हैं वो हमारे फेफड़ों में जा रही है और वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स ऐसे बने हैं कि केवल वो हवा को ले सकते हैं और हवा को बाहर कर सकते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा लंग्स को कुछ नहीं चाहिए लेकिन जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ढेर सारा पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन में क्या है आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कारें आप सड़क पर निकली तो कारें ही कारें भरी हुई हैं तमाम सारे पावर प्लांट्स हैं तमाम फैक्ट्रीज हैं घरों के अंदर जो धुआं है सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन एयर और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको हवा में दिख जाती कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं अगर हम साइज की बात करें तो फिफ्टी माइक्रॉन्स एंड अबव साइज के पार्टिकल्स वी कैन सी फ्रॉम अवर आइज और जो दिखता है उसको हम रोक भी लेते नेचर में ऐसा बना है जैसे नॉस्ट्रिल्स में आप देखेंगे नाक में बाल होते हैं नाक के अंदर जो लाइनिंग है उसके ऊपर लिक्विड होता है वो क्यों होता है कि कोई भी इस तरह का जो दिखने वाला पार्टिकल है वो बालों में फंस जाए नहीं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके चिपक जाए फिर अंदर जाते जाते लैंग्वेज में आप कभी देखते हैं कोई भी चीज चली जाती है तो जोर से खांसी आती है खांसी किस लिए आती है कि वो उसको थ्रो कर देना चाहती है इट इट टू थ्रो आउट सो जो बॉडी का मेकेजम है वो इस तरह का है कि किसी भी एक साइज के पार्टिकल को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा लेकिन प्रॉब्लम कहा है प्रॉब्लम उन पार्टिकल से है जो दिखाई ही नहीं पड़ते जैसे अभी आपने सिद्धार्थ सिद्धार्थ से, से सुना आपने पीएम टू पॉइंट फाइव वॉट इज दिस पीएम टू पॉइंट फाइव ये पार्टिकुलेट मैटर है पर्टिकुलट मैटर क्या है उसके अंदर एक सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर हो सकता है कोई ड्रॉपलेट्स हो तो ये सब के सब हवा में मौजूद रहते हैं जो हमको दिखाई ही नहीं पड़ते अब जो हमें दिखता नहीं है उसको हम कैसे कंट्रोल करें और जो जितना फाइन होगा वो उतना ही ज्यादा आपने देखा ना जैसे मैंने दिखाया आपको आपको एलव्योलर मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो ये जो फाइन पार्टिकल्स है ये भी चले जाते हैं ब्लड जो जितना फाइन पार्टिकल होगा वो उतना ही ज्यादा उस मेम्ब्रेन को परमिएट करेगा और शरीर के अंदर जाएगा तो मेन प्रॉब्लम फ्रेंड्स इज नॉट फ्रॉम बड़े पार्टिकल्स या ऐसे पार्टिकल जिनको हम देख सकते हैं उनको तो हम कंट्रोल करते हैं साफ सा अगर कुछ गंदा दिख रहा है तो हम मास्क लगा लेते हैं कुछ भी कर लेते हैं बट ऐसी चीजें जो हमें दिख नहीं रही हैं उसका क्या करेंगे और दूसरा एक और बड़ा मिसकनसेप्शन है कि पॉल्यूशन बाहर ज्यादा है हम घर में आ गए हमने अपनी खिड़कियां बंद कर ली दरवाजे बंद कर लिए एसी चला दिया नाउ या फ्री ये एक मिसकंसेप्शन है जो दूर हो रहा है अगर आपके घर में खिड़कियां खुली हुई हैं क्रॉस वेंटिलेशन है, है बाहर से हवा अंदर आ जा रही है तो चाहे जितना भी बाहर पॉल्यूशन हो वो आपके कमरे का पॉल्यूशन को कम करेगा वाई बिकॉज इनसाइड अ रूम स्पेशली एयर कंडीशन रूम वहां पर जो पॉल्यूशन है थ्री टू फाइव टाइम्स मोर देन आउटसाइड एयर होता है And these things are to be known. अगर आपको ये पता है तो आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर ये पीएम टेन या पी एम टू पॉइंट पीएम टेन क्या होते हैं टेन माइक्रॉन्स से कम साइज के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं पीएम टू पॉइंट फाइव आर स्टिल फाइनल टू पॉइंट फाइव माइक्रॉन एंड वन माइक्रॉन इज वन मिलियन ऑफ ए मीटर या वन थाउजेंड ऑफ ए मिलीमीटर सो मेन थिंग इज द अब ये जब पार्टिकल शरीर वो लंग्स के अंदर जाते हैं तो लंग्स तो बने हुए हैं इसलिए कि वो एयर को एक्सेप्ट करें और एयर को बाहर निकाले लंग्स आर नॉट मेंट फॉर एनी सॉलिड पार्टिकल इवन पीएम पी 2.5 और स्मॉलर पार्टिकल्स आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय लंग्स तो वहां पर दो तीन चीजें होती हैं एक तो इरिटेशन होता है जब भी कोई पार्टिकल जाएगा अगर वो उसकी जो ब्राउनके ट्री है वहां पर स्टिक कर जाता है तो इट कॉज इरिटेशन इरिटेशन से क्या होगा आपको खांसी आएगी आपको सर्दी हो जाएगी जुकाम होगा आपको आई मीन यू फील डिस्ट्रेस इन ब्रीदिंग आपको लगेगा सांस ठीक नहीं चल रही वाई बिकॉज दैट पैसेज हैज बीन डिस्टर्ब बाई इरिटेशन फिर एक स्टेज और ऊपर जाते हैं तो वहां पर इंफ्लोमेशन शुरू हो जाता है स्वेलिंग हो जाती है थोड़ा सा उसके अंदर से फ्लूड भी एक्जिडेट होने लगता है फ्लूड निकलने लगता है तो फिर आपको खांसी आएगी खांसी के साथ बलगम आने लगेगा और जैसे जैसे ये स्वेलिंग होती जाएगी यू विल हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों होगी क्योंकि वो जो पैसेज है नैरो होता जा रहा है और जब ये पैसेज नैरो होता जा रहा है तो ऑक्सीजन का जो लेवल है शरीर के अंदर वो कम होता जा रहा है और उसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी इंफैक्ट पड़ रहा है तो ये बड़ा सब एक दूसरे से रिलेटेड है जैसे ही कोई पार्टिकल जो अनवांटेड है आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में जाता है तो इट स्टार्ट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्राम इरीटेशन टू स्वेलिंग टू एक्स्यूडेशन एंड देन समटाइम्स बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर एक्स्यूडेशन इतना होता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है जिसको हम न्यूमोनिया डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यमोनिया कहते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि न केवल बैक्टीरिया न केवल वायरसेस न केवल फंगाई ये तो इन्फेक्शन कॉज करके बीमारियां पैदा ही करते हैं लेकिन इनमें एक बार बीमारी हो गई तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं वो सब है हम उनको ठीक कर लेते हैं बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये पीएम 2.5 और स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिनमें वायरसेस आते हैं वायरस आप देखिए कोरोना वायरस का जो साइज था थार पी एम टू पीएम 2.5 तो कोई तरीका नहीं कि उसको आप रोक सको मास्क इसीलिए स्पेशली डिजाइन किए गए डबल हैंड मास्क डिजाइन किए बट यू डोंट नो कि वो कितना रोक पा रहे थे उसको सो यू हैव गॉट टू हैव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डिवाइस जो आप लंग्स में जो एयर जा रही है उसको प्योरीफाई कर सके उसको इन सब जो पैथोजेंस हैं जो एलर्जेंस हैं पॉलेंस हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं मिनरल डस्ट है दे सो मेनी थिंग्स अब जैसे हम कार में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है नई कार में जो स्मेल आती है ना सिद्धार्थ वी लव इट तो बड़ा मजा आता है कि देखो कितनी अच्छी कार में महकार घर में पेंट हुआ है तो अच्छा लगता है घर में कोई आपने नया कोई इक्विपमेंट खरीदा है तो उसके अंदर स्मेल आ रही है बट यू डोंट नो कि ये इस स्मेल ये स्मेल क्यों आ रही है बिकॉज जो भी वो मटेरियल है जो भी वो पी एम टू पॉइंट फाइव या लेस साइज के पार्टिकल्स एयर में है दैट इज वाई यू आर एबल टू स्मेल देम फ्रॉम अ डिस्टेंस और जो एरोसॉल बनता है ये बहुत डेंजरस है स्पेशली जैसे मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हुए चार पांच लोग हैं और उसके अंदर कोई किसी को सर्दी जुकाम है तो वो लगातार जब सांस ले रहा है तो वायरसेस को बाहर निकाल रहा है और वो वायरसेस इसी तरह के पी एम टू पॉइंट फाइव साइज का एक ये जो मेरे खाने में जा रहा है जो हम पी रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन जो नाक से हमारे शरीर में जा रहा है इसका क्या करें और उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा जितना भी हो सके उसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको तो बाहर निकलना है ठीक है बाहर जब निकलना है तो आप नहीं कुछ कर सकते हो पर मास्क लगा सकते हो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है बट जितनी देर आप घर में हैं जितनी देर आप अपनी कार में हैं उस समय को तो आप डेफिनेटली आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो जो हवा हमारे नाक के रास्ते से हमारे लंग्स में जा रही है हाउ टू कंट्रोल इट और अगर हम ये करते हैं तो न केवल हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है निमोनिया है वायरल इन्फेक्शन है इन्फ्लुएंजा है कॉमन कोल्ड है सो मेनी इलनेसेस आप देखिए आजकल जिसको देखिए वो खांस रहा है उसको बुखार है उसको सर्दी है इन सब चीजों को हम प्रॉबर्बली रोक सकते हैं अपना बचाव कर सकते हैं और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे या जो हम हवा जो सांस ले रहे हैं उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस डिजीजे है उनको भी कंट्रोल करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली दिस विल लीड टू दो जैसे आप शायद एक बात आपको नहीं पता हो कि जो एटमोसफेयरिक पॉल्यूशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डायबिटीज है बहुत सारे लोग को लगता है कि डायबिटीज मीठा खाने से होती है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से होती है दिस इज नॉट करेक्ट करेक्ट ये है कि डायबिटीज इतनी ज्यादा रैम्पेंट हमारे देश में इसलिए है बिकॉज हमारे देश में एटमोसफेयरिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है कैंसर्स की तो बात ही छोड़ो जो लंग्स कैंसर है वो डेफिनेटली पॉल्यूशन से होते हैं सो डियर फ्रेंड्स आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन द सब्जेक्ट को बहुत सारे लोगों के जो पॉइंट रहते हैं ना कि हम लोग हमेशा सोचते हैं की घर के बाहर जा रहे हैं हवा चल रही है तो हमें घर के अंदर तो हम लोग रोज सफाई करवाते हैं क्लिनिनेस है हाइजीन में तो हम तो घर के अंदर ज़्यादा सेफ़ है बट द वे यू क्लियर ऑल द थिंग्स एंड स्पेशली द फंक्शनिंग ऑफ आवर लंग्स सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी को ये समझना कि कैलरीज के लिए डेफिनेटली वी कैन कीप अ चेक कि हम 2400 सौ कैलरीज से ज़्यादा इंटेक ना करें पानी के लिए हमें अच्छे से हम डॉक्टर्स के हमेशा सजेशन सुनते हैं कि तीन से चार लीटर पानी रेगुलरली हमें पीना चाहिए बट जो बारह हज़ार लीटर सर आपने जो एयर का पॉइंट मेंशन किया है वो हम सभी को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो हवा क्या हम क्लीन ले रहे हैं एंड सर uh, ने एक बहुत ही क्लियर uh, आप सभी को एक क्लैरिटी uh, दे दी है कि किस तरीके से हमारे आसपास का पोल्यूशन हमारे लंग्स हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ओवरऑल वेलबींग well को कोम्पैक्ट कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम डायबिटिक केसेज भी हो रहे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से तो so, इतने सारे चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशन क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस राइट और अब आपने जो हमें एक मुहिम थमाई है कि हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है बीइंग अ ब्रांड सो हम सभी के साथ ये सॉल्यूशन शेयर करना चाहते हैं कि क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो मदद करेगा आप सभी को एक फ्रेश और एक क्लीन एयर लेने में मदद करेगा सो आइए मिलते हैं उस प्रोडक्ट से जो मदद करेगा आपकी इनडोर क्वालिटी को बेहतर रखने के लिए सो राइट सो ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके इंडोर क्वालिटी को एयर क्वालिटी को बेहतर करेगा उसका नाम है एमवे एटमॉस्फेयर मिनी एमवे एटमॉस्फेयर मिनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी खूबियों की वजह से अपने आसपास के एरिया को एयर क्वालिटी को क्लीन करता है हवा में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिनका साइज 0.0024 माइक्रोन से बड़ा है उन सभी को एटमोसफेयर मिनि अपने अंदर कैप्चर करता है बहुत सारी खूबियों के साथ ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में पिछले तीस साल से अपनी जगह बनाए हुए हैं एटी प्लस पेटेंट्स हैं हमारे पास इस प्रोडक्ट को लेकर जो कि मदद करते हैं हमारे प्रोडक्ट को साल दर साल आने वाले नए प्रोडक्ट से बेहतर बनाए रखने के लिए साढ़े तीन मिलियन से ज़्यादा हमने एयर प्योरीफायर को सोल्ड किया है एवरी ईयर मतलब हम आपको यदि वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इंडिया में जब हमने 2019 में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस आज तक हमें मिल रहा है क्योंकि जिस इंसान ने अपने घर के एक कमरे के लिए एटमोसफेयर मिनी को लिया है आज उन्होंने अपने घर के हर कमरे में एटमासफेयर मिनी को प्लेस करने का दावा किया है क्योंकि जितनी ज़रूरत हमें एक ठंडी हवा की है उसके लिए हमें एयर कंडीशनर की जरूरत होती है उतनी ही ज़रूरत हमें एक क्लीन एयर की भी है जो कि सिर्फ पॉल्यूशन किया समय नहीं होता मैं कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये टाइम बहुत लोग कहते हैं कि पॉल्यूशन क्योंकि हमें उस टाइम दिखता है एयर क्वालिटी की बात होती है तो हमें लगता है कि पॉल्यूशन है पर डॉक्टर साहब ने जो भी पॉइंट मेंशन किए कि पॉल्यूशन तो थ्रू आउट द ईयर आपके आसपास है तो ऐसे में एटमोसफियर मिनी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और अपनी खूबियों के साथ आप इस प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का लीडिंग प्रोडक्ट ये कैसे है तो देखिए बहुत सारे लोगों से यदि मैं पूछा और जब मैंने सर्वे भी कंडक्ट किया तो मैंने सभी से पूछा कि आपको यदि एक अच्छा मोबाइल ख़रीदना है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया कि जब हमें अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना होता है तो हमें पता है कि उसकी रैम अच्छी होनी चाहिए उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए उसका कैमरा अच्छा होना चाहिए उसकी टच पैनल अच्छा होना चाहिए बैटरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए लुक्स अच्छी होनी चाहिए तो बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को ख़रीदते समय अपना डिसीजन लेते हैं बट जब आप एयर प्योरीफायर की बात आती है तो आप किस चीज़ पर रिलाई करते हैं क्या आप रिलाई करते हैं प्राइजिंग पे क्या आप रिलाई करना चाहेंगे टेक्नोलॉजी पे क्या आप रिलाई करना चाहेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन पे तो ऐसे में ये जो सात प्रश्न आपके सामने आप देख रहे हैं ये सात प्रश्न आपको क्लियर करेंगे डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए आपको जब बात आती है एयर प्योरीफायर की तो आशा करता हूँ आप सभी ने ये सातों पॉइंट लिख लिए होंगे मैं इन सातों पॉइंट्स को आने वाली तीन से चार स्लाइड में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि एफिशिएंसी कितनी जरूरी होती है एक एयर प्योरीफायर की एफिशिएंसी को समझना कितने छोटे पार्टिकल्स को वो एयर प्योरीफायर कैप्चर कर सकता है वो एटमोस वो आपको बताया कि आपको कौन सा एयर प्योरीफायर ख़रीदना है कौन से ग्रेड का फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाहिए जब आपको एयर प्योरीफायर की बात आती है क्या वो एयर प्योरीफायर वायरस बैक्टीरियाज़ और हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने की क्षमता रखता है ये आपको पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए और कितनी स्पीड है इसकी हवा को साफ करने की ये आपको पता होना चाहिए जब आप कोई भी एयर प्योरीफायर ख़रीद रहे हैं क्योंकि जब मेरी लोगों से बात हुई है अभी और उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस बताया तो उस एक्सपीरियंस में उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही शेयर किया कि हमें तो हमारे नेबर ने कहा था कि इस कंपनी का ले लो तो हमने ले लिया बट अब हम इतना ध्यान नहीं देते एक दो महीना हमने चलाया तो उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया तो माय डियर फ्रेंड आज यदि आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी एफिशिएंसी है सो एटमॉस्फेयर मिनी की बात करूं तो एटमॉस्फेयर मिनी को हम क्यों कहते हैं कि ये मार्केट लीडर प्रोडक्ट है एटमॉस्फेयर मिनी कैप्चर कर सकता है पॉइंट जीरो जीरो टू फोर माइक्रॉन तक के पार्टिकल्स को वो भी नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट सिंगल पास एफिशिएंसी आपने बिल्कुल ठीक सुना पॉइंट जीरो जीरो टू फोर माइक्रॉन पार्टिकल्स अभी जैसे डॉक्टर साहब ने मैंशन किया एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिफ्टी uh, माइक्रॉन्स से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम अपनी नेकड डाइज से देख सकते हैं इनफैक्ट थर्टी माइक्रॉन्स तक के बड़े पार्टिकल्स को हम अपने विजन uh, से देख सकते हैं हम अपनी आई साइट से देख सकते हैं बट थर्टी माइक्रॉन्स से छोटे पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने पीएम 2.5 का जिक्र भी किया पीएम 10 का जिक्र भी किया तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पी एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन पार्टिकल्स तो आपके आसपास प्रेजेंट है हम उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट हैं बट जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो उसका बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ता है और वो पार्टिकल्स हैं पी एम टू पॉइंट फाइव से छोटे तो एटमोसफियर मिनी पॉइंट जीरो जीरो टू फोर माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को कैप्चर करने की क्षमता रखता है दैट टू नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट सिंगल पास एफिशिएंसी के साथ तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा दावा है आप सभी के लिए अपने कस्टमर्स के साथ करने का और जब उन्हें आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं उन्हें ये जिक्र करने का कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में जो पॉइंट जीरो जीरो तक के पार्टिकल्स को कैप्चर कर रहा है दैट टू नाइन्टी सिंगल पास एफिशिएंसी के साथ अब सिंगल पास एफिशिएंसी क्या होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा देखिए होता क्या है कि जब आप Uh, किसी भी फिल्टर पे पार्टिकल्स पास करते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स पास हो जाएंगे कितने पार्टिकल्स रह जाएंगे पहले राउंड में वो उसकी एफिशिएंसी को दर्शाता है तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं तो एटमोसफियर मिनी का जो फिल्टर है उसमें 99.99% .99 की एफिशिएंसी है जो कि नियरेस्ट टू हेपा फोर्टीन ग्रेड के फिल्टर की है तो इसमें क्या होता है यदि आपने दस हज़ार पार्टिकल्स थ्रो किए हैं अपने फिल्टर पे तो उन दस हज़ार पार्टिकल्स को राइट right, में से सिर्फ सिंगल एक पार्टिकल होगा जो बच जाएगा बाकी नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे पार्टिकल्स आपके एयर प्योरीफायर में कैप्चर हो जाएंगे सो so, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिशेंसी वाला प्रोडक्ट है जिसके साथ आपको अपने कमरे में जो बार बार हवा एंटर हो रही है उसको ले चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे हम एयर कंडीशनर चलाते हैं तो हमने अपने कमरे दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दी तो ऐसा तो अब नहीं होने वाला हमारा दरवाज़ा बार बार खुलता है ह्यूमन बॉडी का बार बार एंटर होता है बेडरूम में हम लोग एंटर करते हैं बच्चे एंटर करते हैं हमारे कपड़ों पे हमारे शूज़ पे डस्ट पार्टिकल्स लगे होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोन साइज लगे होते हैं जिन जो हमारे कमरे में कंटिन्यूसली एंटर करेंगे तो ऐसे में सिंगल पास एफिशिएंसी का हायर होना बहुत अच्छा एग्जांपल देता है आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी पे आगे हम बात करते हैं पैथोजेंस एंड पर्टिकुलेट्स की एटमॉस्फेयर मिनी की जो क्षमता है वो है थ्री प्लस तीन से ज़्यादा पैथोजेंस एंड पर्टिकुलेट्स को अपने अंदर कैप्चर करने की जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस एलर्जेंस जैसे बहुत सारे कंटेमिनेंट्स को एटमोसफियर मिनी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है 95 प्लस बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल स्पोर्स साठ से ज़्यादा पोलेंस, 80 प्लस वायरसेस नाइन एलर्जेंस, 70 प्लस फंगाई एंड डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो आज की डेट में आपको ये कहे कि हम आपको लिस्ट दे सकते हैं 300 प्लस पैथोजेंस की जिससे हमारा प्रोडक्ट क्लीन करता है तो ऐसे में लेट मी टेल यू वन थिंग कि एम वे एटमोसफेयर मिनी आपको वो लिस्ट तक देने को तैयार है जिसमें हमारे 300 प्लस पैथर्जन्स को जो कैप्चर करता है एटमोसियमिनी उसे कैप्चर uh, कर उसकी लिस्ट है पूरे उसके नाम मैंशनड है देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंफोसाइज करूँगा आप सभी ने पी एम टू पॉइंट फाइव सुना है जैसे ही मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी बताया था कि दिल्ली में इतना है लखनऊ में बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में इस समय इतना पंजाब में इतना है हरियाणा में इतना बहुत अलग अलग राज्यों के पी एम टू पॉइंट फाइव लेवल की बात करी बट आपके कमरे में बहुत अलग अलग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और वो पार्टिकल्स आपको आ, मैं कहूँगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे चैलेंजेस आपके शरीर में हो सकते हैं तो ऐसे में ये पैथोजेंस और पार्टिकुलेट्स को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है गैसेस कंटेमरेंट्स को भी कैप्चर करना क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि यूजुअली जब हम अपने कमरे में सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं पेंट होता है या फिर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट फंक्शनिंग के लिए अच्छे नहीं होते तो लगने को तो हमें अच्छा लगता है कि हमें अपनी फेवरेट फ्रेगनेंस आ रही है जिस फ्रेगनेंस का हमने इंसेंसटिक्स जलाई या फिर हमने सेंटेड कैंडल्स जलाई बट यदि आप यहाँ पे देखें कि वो जो स्टिक्स है वो जो फ्रेगनेंस कैंडल्स हैं उसमें जो केमिकल डलता है जिसकी वजह से आपको फ्रेगनेंस आ रही है वो केमिकल कितना स्ट्रांग होगा ताकि कमरे में अलग अलग तरह के प्रेजेंट ओडर को दबा के स्पेशली आपको रोज़ या लेवेंडर जो आपका फेवरेट फ्रेगरेंस है उसी की ही फ्रेगनेंस आ रही तो स्टोज तो की कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होंगे तो ऐसे में एटमोसफियर मिनी उन सभी केमिकल्स को जिसमें एसिटिक एसिड एमोनिया बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस केमिकल्स को अपने अंदर कैप्चर करने की क्षमता रखता है साथ ही साथ यदि हम इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट की बात करें तो 220 मीटर क्यूब पर आर की स्पीड से एटमॉस्फेयर मिनी आपके कमरे की हवा को साफ़ करता है और रूम साइज़ की बात करें तो 325 सौ फीट तक के कमरे को एटमोसफियर मिनी क्लीन करने की क्षमता रखता है विच मीन्स कि आपका यदि कमरे का जैसे आपका मास्टर बेडरूम है वो 200-240 स्क्वायर फीट का होता है आपका ड्राइंग रूम एरिया है 220 स्क्वायर फीट का होता है आपका मास्टर बेडरूम है आपका बच्चों का बेडरूम है 180-200 स्क्वायर फीट का होता है तो ईजिली फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा जब आप अपने कमरे में एटमोसफेयर मिनी को रन करेंगे थ्रू आउट द टाइम आगे हम बढ़े तो ये बात करें कि एटमोसफेयर मिनी किसी भी प्रकार से ओजोन रिलीज नहीं करता बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो प्रोडक्ट्स बेसिकली ओजोन रिलीज़ करते हैं तो ऐसे में ऐसे में यदि आप देखेंगे तो एटमोसफेयर मेनिंग इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ओजोन रिलीज नहीं करता जो कि आपके और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है इस्तेमाल करने का आ, थ्री स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आपको एटमोसफेयर मेनिंग मिलता है जिस प्रोडक्ट को आप अपने घर पर यूज़ करने के साथ साथ आप इसके फिल्टर लाइफ को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूजली मार्केट में मिलने वाले प्योरीफायर्स की जो फ़िल्टर लाइफ होती है वो डिपेंड करती है अलग अलग फिल्टर्स के क्योंकि तीनों फिल्टर्स की लाइफ अलग अलग बिहेव करती है यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिनी का फिल्टर टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है उसमें तीन फिल्टर्स में आपको एक साथ फिल्टर लाइफ उनकी चलती है यानी कि जो फिल्टर लाइफ पहले की होती है वही फ़िल्टर लाइफ सेकेंड की होती है वही फ़िल्टर लाइफ थर्ड की होती है तो ऐसे में यदि आप देखें कि प्री फिल्टर जो है राइट right, और हैपा फिल्टर है और कार्बन फिल्टर है तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं प्री फिल्टर जो है वो बेसिकली लार्ज पार्टिकल्स को अपने अंदर कैप्चर करता है यानी कि हेयर और डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर कैप्चर करता है सेकेंड uh, फिल्टर जो है जो पर्टिकुलर फिल्टर है वो छोटे पार्टिकल्स यानी कि पी एम टू पॉइंट फाइव बैक्टीरिया वायरसेस जैसे पार्टिकल्स को अपने अंदर कैप्चर करता है बेसिकली ग्रेड का जो फ़िल्टर टेक्नोलॉजी है वो हमारे सेकेंड फिल्टर में लगी है विच इज़ पर्टिकुलर फिल्टर में थर्ड जो लेयर है हमारी वो है कार्बन फिल्टर कार्बन फिल्टर बेसिकली क्या करता है कमरे में जितनी भी ऑर्डर है उसे रिड्यूस करता है तो इसमें एक्टिवेटेड कार्बन्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि कमरे के सारे ऑर्डर्स uh, को अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और बहुत छोटे छोटे पोर्स में उनको स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भी हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है एटमोसफर की यदि हम कमरे में कोई इंसेंसटिक्स ही क्यों ना चल रही हो तो उस समय पर आप देखेंगे कि एटमोसफियर मिनी का जो प्रोडक्ट है आपका वो कैसे कैप्चर कर लेता है राइट right? सो so ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि आपको मदद करेगा आपको एक बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी सेफ्टी एयर में राइट right? आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेसन uh, की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्योरीफायर के लिए एटमोसफियर मिनी मार्केट में जो लीडिंग एजेंसीज़ हैं यानी कि यूके एलर्जी द्वारा वो जो सबसे स्ट्रांगेस्ट एजेंसीज हैं उन्होंने प्रमाणित किया है कि एटमोसफियर मिनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 100 प्लस एलर्जेंस को और इरिटेंट्स को कैप्चर कर सकता है ए एच ए एम द्वारा जो कि बहुत ही लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वेरीफाई किया है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि जब हम क्लेम करते हैं कि आपको एटमोसफेयर मिनी को चौबीस घंटे चलाना है तो उस समय जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो हंड्रेड परसेंट रहे थ्रू आउट द स्पैम में उसे वेरीफाई किया है ए एच ए एम ने ई सी ए आर एफ जो अगली आपकी यहाँ पर एजेंसी है वो चेक करके उसने प्रमाणित किया है कि ये प्रोडक्ट एलर्जेंस को भी रिड्यूस करने की क्षमता रखता है साथ ही साथ प्रोडक्ट की यदि मैं मकैनिज़म uh, की बात करूँ तो प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे सेंसर्स प्लेस हैं जो कि आपकी एयर क्वालिटी को ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं बट ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके ये आपकी हवा को क्लीन करने में भी उसी टाइम पर काम करते हैं ये बहुत ही पोर्टेबल है यानी कि बिलो फाइव के का इसका वेट है आप इसे किसी भी कमरे में उठा कर लेके जा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज के समय में जिन्होंने एक एटमॉस्फेयर मिनी खरीदा था उन्होंने अब अपने हर कमरे में एटमॉस्फेयर मिनी प्लेस करने के लिए ख़रीदा है तो आप यदि एक एटमोसफेयर मिनी को खरीदते हैं तो आप अपने कमरे में जिस कमरे में भी आप बैठे हैं उस कमरे में आप प्रोडक्ट को पिक करके लेके जा सकते हैं और वहाँ पे इसको आप रन कर सकते हैं 24 फोर आवर्स चलने पर ये प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी है वो है uh, 38 एट वाट की ये पावर कंज्यूम करता है मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी थर्टी एट वाट की एनर्जी को कंज्यूम करता है और साथ ही साथ जो सबसे बेस्ट मैं कहूँगा की सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे आप सभी के लिए वो क्या है कि एटमॉस्फेयर मिनी आता है आपको एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ एटमॉस्फेयर मिनी के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके कमरे की इंडोर एयर क्वालिटी को कंट्रोल भी करता है और आपको कहीं मोबाइल में कहीं पर भी बैठकर आप अपने कमरे की इंडर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं आप अपने फिल्टर की लाइफ को चेक कर सकते हैं आप जो रिएक्टिवनेस है सिस्टम्स वो आप चेक कर सकते हैं अपने एयर प्योरीफायर को ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के फ़िल्टर uh, की लाइफ को भी चेक कर सकते हैं और यदि आपके प्रोडक्ट में कोई चैलेंज आता है तो वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम में जाके आप अपनी कंप्लेंट को भी रजिस्टर करवा सकते हैं तो एटमोसफेयर मीनी की एप्प्लिकेशन बहुत ही स्ट्रांग है और इसके साथ आप अपना बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं तीन साल की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट आता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट में यदि कोई भी आपको चैलेंज फेस होता है तो आप अब इंजीनियर को अपने आप विजिट पे बुलाकर उससे आप अपने आप चेक भी करवा सकते हैं थ्री इयर्स की नो क्वेश्चनिंग वारंटी आपके आपको मिलती है अभी इस समय बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र हम आपके लिए लेकर आए हैं एटमॉसफेयर uh, मिनी पर जहाँ पर आपको एटमोसफेयर मिनी ख़रीदने पर एक यूरेका फोप्स का सुपर क्लीन वैक्यूम क्लीनर जिसकी कीमत है तीन हज़ार पाँच सौ निन्यानवे रुपये ये आपको मिल रहा है यहाँ पर लगभग फ्री में लगभग फ्री भी नहीं क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही फ्री है यहाँ पर थर्टी वन थाउजेंड के प्रोडक्ट को खरीदने पर थ्री फाइव नाइन नाइन का आपको वैक्यूम क्लीनर फ्री मिल रहा है साथ ही साथ एटमोसफेयर मिनी के जो फिल्टर की लाइफ है वो लगभग एक साल की है Uh, इतना ही नहीं आपकी ये आपके कमरे की uh, बैक्टीरिया वायरसेस को भी कैप्चर कर रहा है आपके uh, बेड शीट्स को क्लीन करने के लिए यूरेका फोब्स का वैक्यूम क्लीनर आपके साथ मिल रहा है तो एक कंप्लीट क्लीनिंग सॉल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पे एटमोसफियर मिनी ख़रीदने पर सो so, मैं यहाँ पर आज इस प्रोग्राम को हमने तभी आप सभी के लिए लाइनअप किया था ताकि आप अहमियत समझ सकें कि, कि कितना ज़रूरी हो चुका है इस समय एक वैक्यूम एक एयर क्वालिटी को चेक रखना एयर क्वालिटी इंडेक्स पे ध्यान रखना और साथ ही साथ ये देखना कि आपको अपने कमरे को कितना साफ रखना है आपको अपने कमरे की एयर क्वालिटी को कितना अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप क्लीन और प्योर हवा ले सकें सो आशा करता हूँ आज के प्रोग्राम से आपने बहुत सारे पॉइंट सीखे होंगे समझे होंगे और आप इस इंफॉर्मेशन को जाके अपने प्रॉस्पेक्ट्स के साथ अपने कस्टमर्स के साथ अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो एक राइट right प्रोडक्ट ले और अपने घर को एक क्लीन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें विद एटमोसफेयर मिनी सो विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड बिग थैंक्स टू डॉक्टर नलिन मिश्रा सर फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन विद दस तो मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर विनाम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अपने घर में एयर प्योरीफायर को ज़रूर लेकर आए और अपने बच्चों की हेल्थ को अपने एल्डर्स की हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें विद दिस थैंक यू सो मच एंड अ ग्रेट इवनिंग बी सदा चौधरी साइनिंग ऑफ थैंक यू